तो प्यारे बच्चों, आपने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 2.5 के चार क्वेश्चन कर लिए थे। इसके ऊपर आधारित एक्सप्रेस वाई प्लस जेड को होल स्क्वायर में जब आप एक्सपेंड किया, इसके ऊपर आधारित चार क्वेश्चन थे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू इंटू एक्स इंटू वाई प्लस टू इंटू वाई टू जेड प्लस टू इंटू जेड इंटू एक्स। अब आपने तो एक्सपेंड किया था, देखो ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म है, ये इसका फैक्टर फॉर्म है, यानी ये इसका विस्तृत रूप है, ये उसका गुणनखंड है। पांचवा सवाल इसका उल्टा है, पांचवा सवाल इसका उल्टा, मतलब ये दिया हुआ वैसा लिखना, ब्रैकेट लिखना है। तो पांचवा सवाल मैं लिखता हूं पहले आपके लिए। ये क्वेश्चन में आपको ध्यान से करना पड़ेगा, क्योंकि यहां कुछ प्लस के कुछ माइनस, स्क्वायर में कोई दिक्कत नहीं, माइनस तीन वाई का स्क्वायर भी प्लस का नाइन वाई स्क्वायर होता है, प्लस तीन वाई का स्क्वायर भी प्लस का नाइन वाई स्क्वायर होता है। तो यहां पे एक काम करते हैं, आप पहले वो डिजाइन कर लो, ये डब्बे का स्क्वायर, डब्बे का मतलब ऐसा डब्बा स्क्वायर, डब्बा का स्क्वायर प्लस टू इंटू डब्बा डब्बा, ऐसा लिखा प्लस टू इंटू डब्बा डब्बा प्लस, ये तो आपने कल भी पिछले वीडियो में सीखा टू इंटू डब्बा डब्बा। अब हम एक काम करते हैं, चार एक्स का, चार का स्क्वायर रूट दो होता है और माइनस का दो भी होता है, प्लस नहीं होता है, वो माइनस या प्लस का बाद में डिसाइड करेंगे, इधर जगह छोड़ देंगे। नौ का तीन होता है, तीन वाई का कोई दिक्कत नहीं, चार सोलह का चार होता है, आई फोर जेड स्क्वायर। अब यहां पे माइनस माइनस कोई एक इसमें माइनस है, या तो यहां माइनस लगेगा या यहां माइनस लगेगा, यहां यह माइनस लगेगा, वो माइनस कैसे ढूंढा जाए, कौन बीमार है, कौन है जो हिडन वायरस है, छुपा हुआ वायरस कौन है। बच्चों आप एक्स वाला माइनस का है या वाई वाला है या जेड वाला है, तो वो आपको यहां से पता चलेगा। ये दो माइनस वाले है ना, माइनस वाले चीजों में कौन बार बार आया, वाई जेड है एक्स जेड है, कौन सी चीज रिपीट हुई है, वाई जेड एक्स जेड, जेड रिपीट हो गया, इसका मतलब जेड वाली बीमारी वो है, उसमें वायरस है, यानी आप फोर जेड की जगह यहां माइनस का फोर जेड कर दो, ठीक है ना। ये पकड़ने का तरीका सबसे बढ़िया है, आप यहां देख लो कौन रिपीट हो रहा हूं माइनस वाली चीजों में, वाई जेड एक्स जेड, तो जेड रिपीट हुआ है, तो यहां आपको पता लग जाएगा किसके पास वायरस है। अब एक डब्बे में ही ये पहलवान पहलवान तीन पहलवान आपको मिल गए, ये पहलवान माइनस वाला है, तो आप ऊपर ध्यान मत यहां देना, ये फिर ये तो मैं लिखूंगा टू एक्स थ्री वाई, टू एक्स थ्री वाई, फिर थ्री वाई माइनस फोर जेड, यानी मैं पहलवान नंबर पहलवान पी वन कर दू, पहलवान पी टू पहलवान पी थ्री, अब एग्जाम में ऐसा मत करना, पी वन पी टू भिड़ गया, अब पी टू पी थ्री भिड़ेगा, पी टू है थ्री वाई माइनस फोर जेड पी थ्री, फिर पी थ्री पी वन भिड़ेगा माइनस का फोर जेड एंड पी वन को ले वापस टू एक्स। ऐसा करने के बाद एक बार चेक कर लेना कि देखो स्क्वायर तो इसका स्क्वायर ये इसका ये इसका, ये तो ठीक है, ये वाली चीज इसके बराबर है क्या, एक चेक जरूर है, टू टू जा फोर, फोर थ्री जा ट्वेल्व एक्स वाई बराबर है, ये तो टू थ्री जा सिक्स एंड माइनस फोर, माइनस का ट्वेंटी फोर वाई जेड आ गया बराबर है, टू फोर दा एट माइनस का और एट टू दिक्सटीन माइनस सिक्सटीन एक्स जेड, यानी बराबर हो गया गुजराती में, ये आपको एडजस्ट करना है, बराबर चेक करना है। उसके बाद अगले में कुछ नहीं, बड़ा सा ब्रेकेट लगा, तीनों पहलवान हो गए, यानी पी वन प्लस पी टू प्लस पी थ्री, पहलवान वन पहलवान टू पहलवान थ्री, तीनों पहलवान हो, जैसे ये पहलवान अंदर बैठे, तो यहां टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस फोर जेड इसका होल स्क्वायर डाल देना, ये आपका आंसर, दिस इज द आंसर बच्चों, ये हमारा उत्तर है, ये समझ में आ गया होगा। पार्ट टू थोड़ा पार्ट वन से ज्यादा पेचीदगियों से भरा हुआ है। अब मैं पहले तो पहलवानों का लिख दो, प्लस दूसरा पहलवान यहां आएगा, ये तो पहलवान तो वाई बनेगा, कोई दिक्कत नहीं, इसका कुछ स्क्वायर रूट होगा, उसका स्क्वायर होगा, फिर प्लस का टू इंटू डब्बा पी वन पी टू, टू इंटू पी टू पी टू एंड पी थ्री, टू इंटू यहां लिख दे चलेगा, जगह का मैं तो मैं प्लस मोटा कर दू, टू इंटू पी टू पी थ्री पी वन, यहां पे भी
टू का स्क्वायर रूट क्या बच्चों, टू का कुछ नहीं तो रूट टू लिख दो, रूट टू एक्स। जब कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं तो सीधा रूट टू लिख देना, ये तो वाई अकेला ही है। आठ का स्क्वायर रूट, सिंस आठ परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर यानी हिंदी वालों पूर्ण वर्ग संख्या 1, 4, 9, 16, 25, 36 इस तरह, इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 4 है, इसका 5, इसका 6, इस तरह से। जो इनके अलावा वो संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उनका सिर्फ रूट में लिखना। आठ का क्या करें, आठ का कैसे करें, याद रख लो आठ के प्राइम फैक्टर जिनके आठ को लिखते हैं 2 × 2 × 2, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट के दोनों तरफ ये लगा दिया। अब ये क्या है, आठ को हम लिखेंगे ऐसा, ये एक जोड़ा बाहर आ गया, इसको क्या कर 2² × 2 लिख दिया, 2² × 2, तो 2² का 2 होता है तो इसको लिखेंगे 2, ये 2 बेचारा अंदर रह गया 2√2, आठ का स्क्वायर रूट 2√2 हो गया। तो यहां में 2√2, एक बार बोलना, ज्यादा बार बोलोगे तो गाना बन जाएगा 2√2 √2 z². अब ये तीनों पहलवान मिल गया, पहलवान 1, पहलवान 2, पहलवान 3। अभी पहलवानों का कुछ और रंगत बाकी है, कौन माइनस का ये ढूंढना, क्योंकि यह माइनस का निशान है। तो माइनस वालों के जाओ, कौन है, कौन रिपीट हो रहा है, एक्स वाई है, एक्स जेड है, कौन बार बार आया, एक्स दो बार है, मतलब एक्स के पास बीमारी है, यानी यहां लिख देंगे माइनस का रूट टू एक्स। अब ये पहलवान, अभी क्या सीधा पहलवान, तो माइनस रूट टू एक्स इंटू वाई, वाई इंटू टू रूट, थोड़ा वाई इंटू टू रूट टू जेड हो गया, प्लस 2 × कौन है ये वाला, किधर गया कौन सा पहलवान, 2√2 z, 2√2 z × −√2x, ऐसा। अब ये थोड़ा जेड और टू एक जैसे लगा, थोड़ा अच्छा लिख देना 2√2 z हो गया। चेक कर लो एक बार अपना कैलकुलेटर, बड़ा सा प्लस का निशान, ये तो ठीक ही है, स्क्वायर करने भी आ रहा है, इसका से हमारा 2√2 xy आ गया, 2 × 4 √2 yz है, 2 × 4 √2 × √2 हो गया, 4 × 8 zx − का बराबर है। तो तीनों पहलवान पक्के, अपने वैल्यू भी बराबर बराबर। अब आप क्या करना, तीनों पहलवानों को पकड़ के बंद कर दो, इस पर लगा दो माइनस का √2x प्लस वाई प्लस 2√2 z, ये आपका आंसर है, निश्चित आंसर समझ आया होगा। दो आइडेंटिटी नई आ गई आपके लिए बच्चों, x प्लस वाई का होल क्यूब, x माइनस वाई का होल क्यूब। इस चैप्टर को आप हल्के में नहीं लेना, काफी काम का है, और बड़ी क्लास जब आप मैथमेटिक्स लेंगे, आप फिजिक्स केमिस्ट्री जब मैथ पढ़ेंगे तो ये आपको कदम कदम पे आपके सामने आती रहेंगी। ये मत बोलना कि मैं भूल गया या अभी टेंथ में नहीं है, इलेवंथ में नहीं है, कभी भी जरूरत पड़ सकती। तो याद करना x प्लस वाई के बिल्कुल x क्यूब प्लस वाई क्यूब पर 3x² + 3xy², थोड़ा रट लेना, वीडियो पॉज करके लिख लेना। इसमें माइनस है तो यहाँ दो बार माइनस आएगा, सिर्फ प्लस माइनस का फर्क, और कोई फर्क नहीं है, x³ − y³ − 3x² + 3xy² या आपको एक काम करना, अगर आप भूल गए तो x प्लस वाई को दो बार तीन बार आपस में मल्टीप्लाई करना। कैसे करेंगे, जब कभी भूल गए, x प्लस वाई का क्यूब क्या होता है, आप x प्लस वाई का स्क्वायर √x + y कर देना, और एक्स प्लस वाई का स्क्वायर आपको आता है क्योंकि इसकी पावर वन पावर एड हो जाती है, दिस विद x² + 2xy + y² × x + 1। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन इतना टाइम आपके पास होगा नहीं, अच्छा है कि आप याद ही रख लो। किसी किसी किताब में यहां पे इसमें 3xy कॉमन लिया होता है, 3xy और फिर अंदर x प्लस वाई लिखा है, यानी ये दोनों तो सेम ही होता है, अगले में 3xy कॉमन x प्लस वाई, और इसमें भी वो क्या करेगा, ही विल टेक −3xy कॉमन ले लेगा, क्या आएगा अंदर x − y आएगा। तो ये भी अपने बुक में इसमें कॉमन लिया है, x³ − y³ − 3xy, ये भी लिखते हैं, लो x³ − y³, ये भी लिखते हैं, ये ऊपर वाला भी लिखते हैं। आप फिलहाल मेरी मानो तो ऊपर वाले दो रट लो, ज्यादा आप पंगा लेने का नहीं, और जो कुछ लोग पंगा लेना चाहते पंगा ले लो, कोई दिक्कत नहीं, जो आपको इजी लगे वो रख लो। तो ये आपको दो पक्की याद होगी, इन्हीं के ऊपर आधारित हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल छठे का,
तो पहला सवाल आपके लिए बिल्कुल नया, बिल्कुल नया मतलब क्यूब है, तो इसको एक्स मान लो और एक्स को मान लो वाई, जहां जहां एक्स इसमें वहां वहां टू एक्स रखो, जहां जहां वाई वहां वहां वन रख दो। तो मैं कैसे करूंगा, इसका डब्बे का क्यूब प्लस डब्बे का क्यू ऐसा है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस थ्री इंटू स्क्वायर वाले डब्बा डब्बा स्क्वायर इंटू डब्बा प्लस थ्री इंटू डब्बा डब्बा स्क्वायर ऐसा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब थ्री एक्स स्क्वायर पहला डब्बा एक्स का दूसरा डब्बा ऐसे करना, ठीक है ना। तो अब आप एक्स की जगह कौन है, टू एक्स, सिंपली टू एक्स वन, टू एक्स वन, टू एक्स एंड वन, सिंपल सिंपल सिंपल, ठीक है। अब 2 का क्यूब कितना होता है, याद नहीं है, नहीं है तो मैं क्या करूं, याद कर लो 8x क्यूब हो गया। 1 का क्यूब वन होता है, कितना भी कर लो, ये कितना है, 2 दूने 4, 4 3 12, 12 एक्स स्क्वायर, ये 4x स्क्वायर होता है, ये कितना है, कुछ नहीं 1 का इसमें कुछ नहीं, प्लस का 6x, यह आपका आंसर है आप किताब में। हाँ बच्चों, तो सीधा एक्स मैं थर्ड और सेकंड और थर्ड आप करना, मैंने फोर्थ के लिए डाल दिया क्योंकि सारे कराऊंगा तो आप बोलोगे हमको तो कुछ करने नहीं देते सर, सारे खुद ही कर जाते हैं, इसलिए आपकी बात भी रख देता हूँ। डब्बा क्यूब डब्बा क्यूब माइनस थ्री इंटू डब्बा स्क्वायर डब्बा प्लस थ्री इंटू डब्बा डब्बा स्क्वायर, पहले डब्बे में एक्स भरना, दूसरे डब्बे में टू बाई थ्री वाई भरना, मैंने एक्स लिख दिया टू बाई थ्री वाई लिख दिया, एक्स लिख दिया टू बाई थ्री वाई लिख दिया, एक्स लिख दिया 2 बाई थ्री वाई लिख दिया। अब ये तो हो गया एक्स का क्यूब, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, ये हो गया वाई क्यूब, यहां कितना 3 को 3 खा गया, क्या हुआ, हाउ मच इज दिस, 2x स्क्वायर वाई, 2x स्क्वायर वाई हो गया। इस 3 को इस 3 से काटना नहीं है, क्यों नहीं काटना है बताओ, क्योंकि ये 3 का ऊपर पावर 2 है, 3 ज्यादा ताकतवर है, ये 9 माना जाता है, अभी मत काटना। तो प्लस क्या होगा, मैं 3 टू द 6 एक्स वाई स्क्वायर, 6 एक्स वाई यानी मैं लिखूंगा ऊपर हो गया 6 बाई 9 एक्स वाई स्क्वायर। तो अब काट दो, ये 2 बाई 3 3 से कटता है ना, अब मैं एक्स को एक्स काट दो, तो क्वेश्चन नंबर 7 आप इनको वैल्यू पता करना है, इवेल्युएट द फॉलोइंग यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटी, बच्चों राउंड फिगर के नजदीक रहना, 99 को 100 माइनस 1 करना, 100 प्लस 2 करना 102 को, और इसको 998 को 1000 माइनस 2 करना, इसमें ऊपर वाला लगा देना x माइनस नीचे x माइनस y का होल क्यूब लगा देना, x प्लस y का होल क्यूब x माइनस y का होल क्यूब डाल देना, x की जगह 100 रखना, y की जगह 1 रखना, x की जगह 100 रखना, y की जगह 2 रखना, एक्स की जगह 1000 रखना, वाई की जगह 2 रखना, बिल्कुल सिंपल ही है, बहुत ही बेकार क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा नहीं। 8th का पार्ट 1 इसको फैक्टराइज कर देगा, ये तो एक्सपेंडेड फॉर्म है, फैक्टर फॉर्म में लेके आना यानी ऐसा लिखना, आपको कई बार एग्जाम में पहचानने में गड़बड़ हो जाती है, कौन सी आइडेंटिटी लगे तो किसमें पावर 3 है वो पता लग जाना, ठीक है ना, पावर 3 वाला एक्सपोनेंशियल का क्यूब है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आप क्या करना, इसके जैसा लिखो, इसका जैसा लिख लो, कौन पहलवान पहलवान है, जैसे इसके ऐसी डिजाइन बनाओ, किसी का क्यूब, किसी का क्यूब है ना, प्लस 3 तो फ्री का आ रहा है, फिर उसका स्क्वायर कर दो, फिर कोई नंबर है, यानी प्लस 3 दो बार आ रहा है, डब्बा फिर डब्बा स्क्वायर ऐसा है ना, जैसे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई 3x वाई स्क्वायर, तो कौन एक्स की जगह कौन वाई की जगह वो ढूंढना है। तो 8 ए का क्यूब रूट कौन होता है, 8 का 2 होता है, अभी 2a एक क्यूब एक होता, आपको मैंने बोला क्यूब रट लो, 1 से लेके 11 तक रट लो, काम आएगा, बी का तो सिंपली बी है। अब आपको यह कोई पहलवान है, पहलवान नंबर 1 पहलवान 2, भर दो पहलवानों को, यहां पटक दो उठा के, पहला पहलवान 2a फिर दूसरा b, 2a फिर b हो गया। अब चेक कर लो इसका वैल्यू इसके बराबर है क्या, ये तो है ही, क्या हुआ, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12 बराबर 2 3 जा 6 बराबर, यानी पहलवान आ गया। अब क्या करेंगे, P1 प्लस P2 का होल क्यूब, कौन पहलवान, 2A प्लस B का होल क्यूब, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, दिस इज द आंसर। अब भाई 8th का पार्ट 5,
तो ये ध्यान में रखते हुए कि आपको इसका पार्ट 2, 3, 4 आप कर लेंगे, कोशिश करना। फर्स्ट मैंने करा दिया, फिफ्थ में कराता हूँ, पहला हो गया, आखिरी के बीच आप कर ही लेंगे। तो किसकी शक्ल मिलती है इनसे, ये किससे मिलते हैं? क्यूब है, कुछ स्क्वायर भी है, तो इसका मतलब ये, और माइनस वाले भी, यानी एक्स माइनस वाई का होल क्यूब वाला फंडा लगेगा आपको। मैंने बोला क्यूब, जिसको क्यूब याद है वही बच्चा कर पाएगा, बाकी लोग तो जलेंगे, जलेंगे आपके ऊपर जलेंगे। इस तरह से लोग जलते हैं, तो आप जलाइए, पढ़ पढ़ के। 27 किसका? 3 का p 3 p का क्यूब। 2161 का तो 1 ही है, कोई दिक्कत नहीं, बट ये होता है 6 का क्यूब होता है 216। बच्चों अब यह क्या, ये पहलवान मिल गया, ये पहलवान मिल गया, पहलवान 3p × 1/6 ये हो गया 3p × 1/6। जब आप इनका एक्चुअल चेक करेंगे, ये आएगा कटेगा 9 × 3 = 27 आपको मिलेगा 9/2 मिलेगा, और ये 3 × 9 ये 9/36 होगा, 1/4 मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं, 1/4। तो कुल मिला के क्या हो गया, पहलवान माइनस पहलवान का क्यूब माइनस वाला होगा, तो 3p − 1/6 का होल क्यूब विल बी योर आंसर बच्चों। और भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझे भेजना इसका पार्ट 2, 3, 4। इफ यू एनी डाउट, जस्ट कमेंट बॉक्स में भी आप लिख सकते हैं या मुझे भी भेज सकते हैं, और आप अपना इनका आंसर कमेंट बॉक्स में डालो ना, 2, 3, 5 का 2, 3, 4 का। तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ बच्चों, अगले सवाल की तरफ बच्चों। आपकी किताब में 8 आइडेंटिटीज है, 8 सूत्र है आइडेंटिटी का। अरे हिंदी वालों, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का मतलब बताया ही नहीं, सूत्र, सूत्र। तो 8 आइडेंटिटी है, 9वीं 10वीं मैं आपको ऐड करवाता हूं, x³ + y³ ये भी आती है, और 10th 11th और नया ये कहीं सिखाया नहीं, लेकिन इन चीजों की जरूरत होती है, वहां कहीं कहीं फट जाते हैं। तो इसको होता है x + y × x² − xy + y, और ये होगा x − y × x² + xy + y। ध्यान रखना यहां पे 2xy नहीं है, ओनली अकेला xy है। तो ये अभी कुछ नहीं फैक्टर, ये इनका फैक्ट, दिस इज द राइट साइड वाला फैक्टर है, और बाकी ये एक्सपेंडेड फॉर्म है। आप इसको इसके साथ मिक्स मत करना, ये अलग है, ये अलग है, ये x + y का पूरे का मिला के क्यूब है, ये क्यूब का सब, दोनों अलग, एंटायरली डिफरेंट थिंग्स बच्चों, मिक्स मत करना। होल क्यूब में ये लगाना और अलग अलग क्यूब में ये लगाना। 12th में 11th में मैंने, 12th में तो बहुत जगह आती है, कुछ कुछ क्वेश्चन बच्चे करते, फिर बोलते सर इसके बाद ये कैसे आया, एग्जाम्पल किए होते हैं, उसके बाद भी पूछते सर इसके बाद ये कैसे आया, मैं फिर बोलता हूँ 9th क्लास की किताब उठा के पढ़ लो, तो थोड़ा अजीब लगता होगा उनको भी। अब आपको क्वेश्चन नंबर 9th में वेरिफिकेशन दे दिया है, सिंपली मैं एक करा देता हूँ, वेरीफाई करना है इसके बराबर ये होता है, यानी वेरीफाई करना है। ये तो आप आइडेंटिटी के तौर पे याद रख रहे हैं, मैं 9th का पार्ट 1 लेता हूं, 9th का पार्ट 1 अभी आपको कराता हूं। तो इसने बोला है प्रूव दैट, या वेरीफाई करना है, तो हम इसको इस इधर से चालू करेंगे, वी विल टेक RHS राइट हैंड साइड से, क्या लेते दायां पक्ष बायां पक्ष जो है वी विल टेक, ठीक है। राइट हैंड साइड क्या है, x + y भी करके देख, x + y × x² − xy + y, तो मल्टीप्लाई x × this bracket + y × this bracket, x × ये पार्ट 1 है x² − xy + y², और +y × x² − xy + y² हो जाएगा। अभी हम इनको ब्रैकेट खोलेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर मिल जाएगा। अब बच्चों जब मैंने इसका ब्रैकेट खोला तो इसका इसका सामान आ गया ये, ठीक है, और इसका क्वांटिटी आ गया। अब देखो ये माइनस का x² y और प्लस का x² y खा गया आपस में, प्लस का xy² माइनस को खा गया, तो बचा क्या x³ + y³ बच गया। ये पार्ट वन है, और पार्ट टू में भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको x × this − y × this करना, पार्ट टू में भी RHS से स्टार्ट करना, यू विल गेट योर
आंसर तो वेरीफाई आपको हो जाए। इसको तो मैं बोलूंगा एक आइडेंटिटी के रूप में याद रख लो, इसको क्वेश्चन नहीं मानना, आइडेंटिटी मानना, इसको सूत्र मान के चलना। तो क्वेश्चन नंबर 10th का पार्ट वन अभी देखो, इसको फैक्टराइज करना, यानी ब्रैकेट वाला ना, फैक्टराइज मतलब कॉस्ट वाली चीज लानी है। आपको पता 27 3 का क्यूब है, 125 5 का क्यूब है, तो अब इसको तो मानना एक्स और इसको मान लेना वाई, ठीक है, इसको मानना एक्स और इसको वाई मान लेना, ठीक है। तो क्या एक्स प्लस वाई यानी 3y प्लस 5y, फिर क्या होगा एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होगा, तो ऐसा लिख दू एक्स स्क्वायर का मतलब 3y का स्क्वायर, 3y का स्क्वायर, फिर प्लस एक्स इंटू माइनस का माइनस एक्स इंटू वाई यानी 3y इंटू 5z ऐसा लिख दो, एंड प्लस वाई स्क्वायर यानी 5z का स्क्वायर कर दो, बड़ा ब्रेक लगा दो। बड़ा इसलिए लगाना पड़ा क्योंकि यहां छोटा लगाया इसलिए बड़ा लगाना। उसके बाद आप ये हो गया 3y प्लस 5z और ये क्या हुआ 9y स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर दो 15 का yz प्लस 25z स्क्वायर, दिस इज योर आंसर बच्चों, z लुक्स लाइक 2, ये आपका आंसर हो गया, दिस इज द आंसर। इसी का 10th का पार्ट 2 बच्चों, 64m³ माने 343l³, तो अभी ये 64 किसका क्यूब है, 4 का, 343 किसका, 7 का, जिन्होंने याद किया उनका, बाकी के लिए तो सबका कुछ भी लिखो ठीक ही है। इसको मान लेना x, इसको मान लेना y और सेकंड वाली लगा देना, 10th वाली लगा देना, x माइनस y यानी ये माइनस ये, फिर इसका स्क्वायर प्लस ये इंटू ये प्लस उसका स्क्वायर, आपको मिलेगा इसका स्क्वायर 16 हो गया, 16m² इनका 28mm प्लस 49 स्क्वायर बच्चों, ये आंसर है, बहुत सिंपल था, आप खुद भी कर सकते हैं, मैंने ऐसे कर दिया फालतू आपके लिए। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। एक आइडेंटिटी और है आपकी किताब में, आई नंबर 8, आइडेंटिटी नंबर 8, x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz, बिल्कुल थोड़ा आप, मैं बोलूंगा इससे अच्छा आप पढ़ेंगे तो ज्यादा याद रहेगा, x प्लस y प्लस z तीनों पहलवानों को यहाँ बंद कर दो, फिर तीनों पहलवानों को स्क्वायर करके एड कर दो, फिर माइनस करके तीनों को लड़ा दो, x y को प्लस z इसको x माइनस x y माइनस y z माइनस z, ठीक है, और उसको उसके उसके साथ कंफ्यूज मत होना, x प्लस y प्लस z का होल स्क्वायर अलग चीज है, दोनों को कंपेयर करना आपको याद रहेगा पक्का, वीडियो पॉज करके लिख के आप याद रखना। और सवाल करता हूं 12वां सवाल करते हैं अभी बच्चों आपके लिए, दिस x³ प्लस y³ प्लस z³ मान 3xyz की जगह आपको ये वेरीफाई करना है कि ये इसके बराबर है क्या, आपको ऊपर वाली आइडेंटिटी याद होनी पड़ेगी। अब मैं देखो आपको वेरिफिकेशन में जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड एंड जो सबसे हार्ड चीज होती है, ज्यादा जो जटिल चीज है उधर से चालू करना है, तो दिस RHS लुक्स मोर कॉम्प्लिकेटेड, सो आई एम स्टार्टेड विद दिस वन। अब आपको कुछ नहीं करना, ये मैंने RHS खोला, लेकिन इसका 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 ब्रैकेट खोल दो, a माइनस बी को होल स्क्वायर, इसका ये हो गया सिमिलरली, देखो इसका अभी x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस y स्क्वायर, इसका क्या होगा, इसका होगा y स्क्वायर माइनस 2yz प्लस z स्क्वायर, इसका क्या होगा z स्क्वायर माइनस 2xz प्लस का z स्क्वायर होगा बच्चों, या बनना। अब मैं इसको तो 7 लिख दिया x प्लस y प्लस z, यहां ध्यान को, अब ब्रैकेट का साइज को मैं छोटा कर दूं, x स्क्वायर कितनी बार, एक x स्क्वायर, दो x स्क्वायर, और कहीं खो गया, यहां था दिस वाज x स्क्वायर, तो x स्क्वायर दो बार आ गया, y स्क्वायर कितनी बार है, y स्क्वायर भी दो बार, ये पास पास बैठे थे को 2y स्क्वायर है, और z स्क्वायर भी दो बार ये बैठे पास पास प्लस 2z स्क्वायर है। अब आपके पास क्या है, ये देखो आपने स्क्वायर में सारी चीज ये ले लिया, बचा कौन, माइनस का 2xy बच गया, माइनस का 2yz बच गया, माइनस का 2zx बच गया, इसका पूरे का ये सवाल है, इस पूरे में दो कॉमन आ रहा है, इस पूरे में दो कॉमन आ रहा है, इसमें अब इसमें दो कॉमन आ गया, दो बाहर आ गए थे, दो बाहर आ गया, अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स बच गया, ये 1/2 से मल्टीप्लाई है, 2 से मल्टीप्लाई, 2 को 2 खा गया, तो क्या बचा x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर वाई प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड, ये कौन है ये वाला, ये देखो ये आपको आइडेंटिटी जिसको याद थी वही कर पाएगा, इक्वल टू मैं इसके बराबर ही वो लिख दो, इक्वल टू x³ प्लस y³ प्लस z³
माइनस थ्री एक्स वाई जेड इक्वल टू एन एच एस हेंस प्रूव्ड। हिंदी वालों इतनी सिद्ध में सिद्ध हो गया, हेंस प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर बच्चों 13, इफ एच प्लस वाई प्लस जेड जीरो, एच प्लस वाई प्लस जेड अगर जीरो है तो शो दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल थ्री एक्स वाई जेड। तो आप क्या करना, सबसे पहले लिखना वी नो दैट, हम जानते हैं कि दिखता होगा वी नो दैट, हम जानते हैं, ये आइडेंटिटी पूरी लिख देना। आपको क्या दिया हुआ है तो फिर वापस लिखना ये पूरा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ये पूरा लिखना माइनस थ्री एक्स वाई जेड इक्वल टू जीरो इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस। अब बताओ जीरो क्यों लिखा, क्यों लिखा जीरो वगैरह पर लिख देना, आप लिखना सिंस एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो कॉमा लगा के लिखना, गिवन दिया हुआ है कि यदि एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो है तब क्या होगा, तो इसकी जगह आपने जीरो लिख दिया और जीरो से इसको मल्टीप्लाई होगा आंसर क्या आएगा, तो जीरो इंटू एनी नंबर आंसर इज जीरो, जीरो आ गया। ये पूरा वापस लेना एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड इक्वल टू जीरो। अब इधर आ जाएगा जी, इधर आ जाएगा थ्री एक्स वाई जेड प्लस का हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू थ्री एक्स वाई जेड। ये आपको हैंस प्रूव, ये प्रूव हो गया बच्चों, हैंस प्रूव हो गया। उसके बाद एक चीज और बताना चाहता हूं आप, ये तो आपका आंसर सॉल्यूशन इसके इतना ही है, एक नोट कर लेना, यदि नोट करना है, नोट करना है इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो देन ये होता, तब ये होता है तब एक्स क्यूब, ये आईआईटी वगैरह में कहीं पे भी काम आता है, पर ये सवाल भी पूछा जाता पर बड़े बड़े क्वेश्चन को हल करने में इसकी मदद मिलती है कि बोलेगा ये कैसे आ गया, तो वो तभी होगा जब इनका तीनों पहलवान होगा सम जीरो का। पहलवान कौन, ऊपर क्यूब लगा, ऊपर क्यूब लगा, इसके अंदर वाला पहलवान है, तो पहलवानों का सम जीरो है, तब उनके क्यूब का सम थ्री इंटू पहलवान इंटू पहलवान इंटू पहलवान। ये चीज याद रखना, नोट करने की चीज है, कहीं लिख लो इसको, आइडेंटिटी भी मान लेना। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। बोल रहा विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब, यानी इनके घन की गणना नहीं करनी, कैलकुलेट नहीं करना है और फिर भी इसका वैल्यू पता करना है, कौन सा फंडा लगाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ क्या करेगा, इधर लिखेगा थ्री इंटू माइनस बारह इंटू सात इंटू पांच, क्योंकि इसका इसका सम जीरो है, माइनस बारह प्लस सात प्लस पांच नाइनटीन होता है, जीरो होता है, सॉरी माइनस बारह प्लस सात प्लस पांच जीरो, इसलिए थ्री, इसलिए एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू थ्री एक्स वाई जेड हो गया। यहां आप लिखना सिंस माइनस बारह प्लस सेवन प्लस फाइव इक्वल टू जीरो, और आप लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो गिव्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू थ्री एक्स वाई जेड। आप तो इतना ही लिखना, आप इतना ही लिखना, सिंस इनका सम जीरो है तो मतलब उसको लगेगा यार कुछ आपको पता था आपने, अभी आप इसका मल्टीप्लाई करते कोई दिन यू विल गेट द आंसर, ठीक है ना। तो क्यूब करना कितना पंगा, बारह का क्यूब करो, सात का क्यूब करो, पांच का करो, फिर सम करो, गलती होने के पूरे चांसेस, तो आंसर आपका आंसर आएगा माइनस में कुछ आंसर आएगा। अगला पार्ट टू बच्चों, पार्ट टू करते हैं। हाँ तो बच्चों 28 क्यूब माइनस का 15 क्यूब माइनस का 13 क्यूब, इनका सम कितना है 28 माइनस 15 माइनस 13 द सम इज जीरो, देयरफॉर यू राइट 3 इनटू एक्स इनटू वाई इनटू जेड, यू कैन परफॉर्म द कैलकुलेशन डियर स्टूडेंट। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 में आपको क्या बोल रहा है, गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच द एरियाज आर गिवन। तो एरिया क्या है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ। बच्चों लेंथ एंड ब्रेथ, लेट अस फैक्टराइज इट, लेट अस फैक्टराइज इनटू टू लीनियर फैक्टर्स या लीनियर, और कैसा भी हो। क्वेश्चन नंबर वन में एरिया दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है 25 a² 25 a² माइनस 35 a प्लस 12,
इसको फैक्टराइज, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी इसको फैक्टराइज करते हैं। एक फैक्टर को आप लेंथ मान लेना, दूसरे को ब्रेथ मान लेना, लंबाई चौड़ाई मान लेना। अब कौन सा मेथड होगा इसका फैक्टराइजेशन, कौन सा मेथड होगा, बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, यानी मध्य पद को फाड़ के करेंगे, मध्य पद को फाड़ दो तो बाहर वालों का प्रोडक्ट कितना है, 25 इंटू 12 कितना होता है, 300। अरे मेरे को याद आया, एक कुछ 25 वाले टेबल मुझे लिखा है, कॉमन प्रोडक्ट अभी भी लिखोगे, मैं यहां लिख देता हूँ, फर्स्ट चैप्टर एंड होगा तब आपको मैं कुछ चीजें लिखाऊंगा, ठीक है। इनका प्रोडक्ट 300 होता, प्रोडक्ट 300 तो माइनस पर तो प्रोडक्ट प्लस का ही है, प्रोडक्ट प्लस का ही है तो दोनों टुकड़े अंदर के सेम साइन होंगे, दोनों ही सेम साइन, सिंस बीच में माइनस का तो दोनों ही माइनस के होंगे। तो अभी मैं ज्यादा वक्त आपका जाया ना करते हुए मैं लिखूंगा माइनस 20A माइनस का 15A प्लस का 12, 20 इंटू 15 300 होता है और सम इनका 35 हो गया। टेक कॉमन, प्यारे बच्चों टेक कॉमन, तो कॉमन 5A हो गया, 5A माइनस 4 लिख दिया, माइनस 3 कॉमन हो गया, 5A माइनस 4 लिख दिया, तो 5A माइनस 3 एंड 5A माइनस 4 आपका अभी यह। अब आप इसमें क्या करेंगे, किसको लेंथ माने किसको ब्रेथ माने, बताइए बताइए कौन सा नंबर बड़ा है, लंबाई बड़ी होती है, लंबाई बड़ी होती है बच्चों। तो अब कुछ लोग तो सोच रहे यार ये बड़ा है, कुछ लोग सोच रहे ये बड़ा है, मन में सोचो 5A 5A तो बराबर ही है, 5A एंड 5A तो सेम नंबर है, कोई मन में सोच दिया 5A मान लो कितने, सपोज 50, 5A को 50 सोच लो, 50 में 3 गया, 50 में 4 गया, कौन सा बड़ा हुआ, 5A माइनस 3 बड़ा है, ठीक है ना। देयरफॉर लेंथ, लेंथ आप मान सकते हैं, लेंथ इज 5A माइनस 3 एंड ब्रेथ चौड़ाई उसकी क्या है, चौड़ाई 5A माइनस 3, A पॉजिटिव वैल्यू की, दिस इज आंसर। आप अगर ये लेंथ लेंगे तो आपका गलत नहीं है, उसका मेन इरादा था कि आपको फैक्टराइजेशन करना आता ही नहीं आता, ये वो किताब वाला जानना चाहता था। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हाँ भाई, तो नेक्स्ट वाला 35 इंटू 13Y माइनस 12, बच्चों बाहर का प्रोडक्ट कितना, 35 इंटू 12 60 और 360 मिला के इनका प्रोडक्ट हो गया, 420। यार ये नंबर तो अजीब है, और वो भी माइनस का, वो भी माइनस का, एक तो प्रोडक्ट बहुत बड़ा और एक माइनस का, एक तो बंदरिया ऊपर से बिच्छू काट गया, ज्यादा खुद के भी तो प्रोडक्ट माइनस का है, एक टुकड़ा प्लस का, एक माइनस का, बड़ा वाला प्लस का और तरह का फर्क। तो अभी आप बाय ट्रायल होगा, मैंने लिख दिया 28Y एंड माइनस 15Y, इनका प्रोडक्ट भी माइनस 420 होता है बच्चों। अब आप सोचेंगे इतना जल्दी कैसे लिखते, आप प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस से होगा, फिर क्लास में मिलेंगे और मैं बताऊंगा कैसे बड़े बड़े नंबर को कैसे फाड़ते हैं। कॉमन हो गया 7Y, कॉमन हो गया 7Y कॉमन, 5Y प्लस 4 हो गया, माइनस का 3 कॉमन, 5Y प्लस 4 हो गया, तो हो गया 7Y माइनस 3, 5Y प्लस 4। अब यहां पे हमें इतना तो पता है कि 7Y बड़ा है 5Y से, लेकिन 7Y में 3 जा रहा है, उसमें 4 जा रहा है, तो कौन बड़ा है कौन, हमें गारंटी के साथ हम नहीं कह सकते, तो कुछ भी लिखे, कुछ भी लिखे। देयरफॉर यू कैन राइट लेंथ इज, लेंथ आप जो भी कोई भी उल्टा लिखे तो लेंथ इज 5 7Y माइनस 3 एंड ब्रेड इज ब्रेड कितना 5Y प्लस 4 इज द आंसर। नोट कर लो इसको, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब बच्चों ये वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है एल इंटू बी इंटू एच, यानी तीन फैक्टर होंगे, तीन फैक्टर होंगे। तो सबसे पहले इसमें देखो मिडिल टर्म का कोई लफड़ा नहीं, मिडिल टर्म तो तभी फटती है जब उसके तीन टर्म होते हैं, दो ही है, तो पहले तो इसमें 3x पूरे में कॉमन ले लो, तो एक्स माइनस हो गया 4। अब क्या तो आंसर आ गया, तो तीन फैक्टर है ना, 3 है x माइनस 4 हो गया, ये तो बहुत आसान था। लेंथ जो इतने आसान को क्या बोलते, हलवा बोलते हैं, तो हलवा लेंथ 3 हो गया और ब्रेड हो गया, ब्रेड हो गया x हो गया एंड हाइट हो गया hgsd हाइट हो गया x माइनस 4। या आप इतना लिख सकते पॉसिबल डायमेंशन आर 3, x माइनस 4, 3,
एक्स कोमा एक्स माइनस, तीन डायमेंशन है। डायमेंशन क्या होती है? लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। अब अगला बढ़ते हैं, अगला पार्ट टू इसका, अगला और आखिरी बच्चों, पार्ट टू में वॉल्यूम दिया है। चलो इस एक्सरसाइज का आखिरी, इस एक्सरसाइज का आखिरी है, तो वॉल्यूम इज वी इक्वल टू 12 के वाई स्क्वायर प्लस 8 के वाई माइनस 20 के। तो सबसे पहले तो 4 के पूरे में कॉमन है वो ले लो, कॉमन ले लो तो बीमारी काफी कम हो जाएगी। 4 के टेकन कॉमन तो पीछे ये बच गया, अब 4 के तो साथ में चलेगा, 4 के साथ में चलेगा। तो अब ये आपके इसमें तीन चीजें होगी, तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करना, बाहर वाला माइनस का 15y स्क्वायर हो गया, तो एक प्लस का एक माइनस का, बड़ा वाला प्लस का दो का फर्क, कुल मिला के 3y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 5y, इसके टुकड़े हो गए ना, एंड माइनस का 5 हो गया। समय में आया, जोड़ लो दो, मल्टीप्लाई कर लो, माइनस 15, टेक कॉमन एंड गेट फैक्टराइजेशन बच्चों, 4k 3y टेकन कॉमन, y माइनस 1, 5 टेकन कॉमन, y माइनस 1, तो 4k आया, इधर क्या आया, 3y माइनस 1 आया, दूसरे में 3y प्लस 5 आ गया, अब क्या आया, 4k इंटू y माइनस 1 इंटू 3y प्लस 5, आप लिख लो, therefore possible dimensions आर, यहां लिख दो, यहां लिख दो, therefore लेंथ कितना है 4k, ब्रेथ कितना है, ब्रेथ इज y माइनस 1, y माइनस 1, एंड हाइट कितना है 3y प्लस 5, दिस इज द आंसर बच्चों। तो हमारा एक्सरसाइज 2.5 खत्म है, चैप्टर भी पूरा खत्म हो गया है, और इसको आप वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर जरूर करना बच्चों। हैव अ नाइस डे, मिलते हैं, बाय बाय।